हमारे साथ हैं डॉक्टर फुआद हलीम। डॉक्टर फुआद हलीम वैसे कोलकाता में और शायद कोलकाता से बाहर भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर फुआद हलीम वैसे डॉक्टर्स में से हैं जो प्रैक्टिस भी करते हैं, और लॉकडाउन के दौरान जो इन्होंने 50 रुपये में डायलिसिस प्रोवाइड की उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई है। डॉक्टर फुआद हलीम वैसे तो उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी है, लेकिन इनकी अपनी पहचान के वजह से ये हमेशा एक एक पहचान ये भी है कि जब भी इलेक्शन में लड़ते हैं तो इनके सामने जो ओपोनेंट होता है वो हेवीवेट्स कहे जाते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में उनको उतारा गया था पार्टी की तरफ से, और इस बार ये संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार हैं, और सुब्रत मुखर्जी जो बालीगंज से कई बार जीत चुके हैं उनके खिलाफ में उतरे हैं। हम डॉक्टर फवाद हलीम साहब से सिर्फ 5 सवाल करेंगे, और आज इनका नॉमिनेशन भी है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इनका कैंपेनिंग कैसा चल रहा है और आगे की क्या ये है। तो हमारी बात की शुरुआत इसी बात से होती है कि आपका जो कैंडिडेचर होता है आपके सामने हमेशा हैवीवेट्स खड़े होते हैं, और इस बार जो खास बात ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं बीजेपी, वो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और तमाम तरह के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में कैंपेनिंग कर रही है, और दूसरी तरफ बंगाल की भी रूलिंग पार्टी टीएमसी है। उस बीच में संयुक्त मोर्चा के तरफ से आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है, इस चैलेंज को आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की जो कुशासन, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाह रही है। राज्य में 10 साल का तृणमूल कांग्रेस का जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर फिरकापरस्त ताकतों को मौका दिया है बढ़ने के लिए, और उनका खुद का 10 साल का जो कार्य है इसके बारे में वो लोग ब्यौरा नहीं देना चाहते आवाम। तो ये जो दो सरकारें हैं अपना हिसाब किताब का खुलासा नहीं करके आवाम के सामने में वोट मांगने आ रहे हैं, यही बड़ी बात है पालीगंज क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल। हमारा तो सीधा सवाल है कि हम यहाँ पर शासन में नहीं है, लेकिन हम लोग ये दो सरकारें का जो काम है इसका हिसाब हम लोग आवाम के सामने रखना चाहते हैं, और पश्चिम बंगाल ये पिछले 10 सालों में जिस तरह से पिछड़ किया है उसे कैसे वापस आगे जैसा जो हम लोग उन्नति करने की कोशिश कर रहे थे उस रास्ते में वापस लाए। तो हम सीधे बात कर रहे हैं कि 7.5 लाख नौकरी सरकार के पास फाका पड़े हुए हैं। राज्य सरकार में तकरीबन 5.5 लाख स्कूल टीचर्स के जो पद है, शिक्षक शिक्षिकाओं का पद है, मदरसा सर्विस कमीशन का जो पद है, लगभग 92,000 फाका पड़े हुए हैं। इसके बाहर अलग अलग जगह में जैसे कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 22,000 पद फाका पड़े हुए हैं। सब कुल मिलाकर के 7.5 लाख सरकारी जो पद है इसको भरने का काम हमारी सरकार पहले दिन से शुरू कर। दूसरा, हम कह रहे हैं कि महंगाई का घोड़ा जो बेलगाम दौड़ रहा है बाजार, और महंगाई का जो मूल स्रोत शुरू होता है गैस डीजल पेट्रोल का ऊपर में जो दाम सरकार तय करती है उसके ऊपर से, अगर 1 लीटर पेट्रोल बाजार में बिकता है 90 रुपया तो पेट्रोल का खर्च पड़ता है 35 रुपया, बाकी 55 रुपया टैक्स के हिसाब से सरकार उठाकर ले जाती है। ये 55 रुपया प्रति लीटर टैक्स पेट्रोल के पीछे जो लगता है, इसमें आधा मोदी साहब ले जाते हैं, आधा ममता बनर्जी ले जा। तो हमारा ये संयुक्त मोर्चा का पहल है कि हमारी सरकार राज्य सरकार का जो राजस्व का हिस्सा है उसको घटाएगी, घटा करके बाजार में पेट्रोल डीजल और गैस का जो दाम बेलगाम दौड़ रहा है उसको लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, और इसके जरिए से आम आवाम के पास जो अभी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का जो हाल है उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाहर कई एक विषय हमारे निर्वाचनी जो मैनिफेस्टो उसमें रखा है, अहम बात यह है कि बिजली का 200 यूनिट प्रति घर को, प्रति परिवार को पहुंचने का जिम्मेदारी सरकार की तरफ से हम लोग लेंगे। ये चंद बातें कहते हुए आवाम के पास ठोस मुद्दा हम लोग रखना चाह रहे हैं, और हमारे जो विपक्ष है वो 10 साल और 8 साल का हिसाब नहीं दे करके कह रहे खेला हो, और ये खेल में भारतीय जनता पार्टी शामिल।
आपने बताया, और अभी मैंने देखा जब मैं आपके घर की तरफ आ रहा था तो आपके घर के दरवाजे पे एक बड़ा सा कैटलॉग लगा हुआ है गैस सिलेंडर का, जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि संयुक्त मोर्चा और फुआद हलीम इशू पे फोकस कर रहे हैं। जबकि अभी ऐसे अभी तक जो कैंपेनिंग का हुआ है, कोई पार्टी रिलीजियस सिंबल पे स्ट्रेस दे रही है, कोई पार्टी बंगाली प्राइड पे ज्यादा जोर दे रही है, लेकिन इस बीच में जो आपकी कोशिश है इशू बेस्ड चुनाव हो तो वो उसको अभी तक लाने में कितना कामयाब हुई? हम लोग घर घर जा रहे हैं और घर घर जा करके जब लोगों से चर्चा कर, तो जैसे गैस के बारे में हम बोल रहे हैं, घर के विशेष करके महिलाएं, उनके ऊपर जो चर्चा का असर है वो स्पष्ट है, वो साफ है कि गैस का दाम हर घर को विचलित करके रखा है, बाजार में नौकरी का जो बदहाली है वो हर घर को विचलित करके रखा है। हम जो कैंपेन कर रहे थे तो एक वृद्ध महिला आंख में आंसू लेकर कह रही थी कि हमने अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाया है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज बाजार में उन्हें 4,000 से 6,000 रुपया प्रति माह का नौकरी मिल रहा है। वो कह रही थी इस रुपये से क्या घर संसार चल सकता है। दूसरी तरफ एक दर्जी से मुलाकात की, तो मैंने कहा कि हार्ट खुल गया है। बोला हार्ट तो खुल गया है, लेकिन हार्ट में जाने के लिए हमारा पास पूंजी नहीं है, क्योंकि कोविड के वक्त में चूंकि कोई काम नहीं था, मेरा पूरा पूंजी लेकिन कोविड समय पर पूरा खत्म हो गया है। और आज वो पूंजी के अभाव में कच्चा सामान, कपड़ा, जेब, बटन खरीद करके सिलाई करके सामान बाजार में ले जाने के लिए उसकी परिस्थितियां नहीं है। तो ये सूरत हाल अभी है पश्चिम बंगाल में और पालीगंज क्षेत्र में, कि लोगों पास काम करने का जो साधन है, जो माध्यम है, और बाजार में भी काम करने का जो मौका है, वो तो काफी सिमट गया है। लेकिन खर्चा बदहाल है, खर्चा बहाल है, खर्चा में कोई कमी नहीं है, और इस दोहरा आक्रमण के सामने लोग जूझ रहे हैं। तो ये जो चर्चा है, मौलिक चर्चा जो हम उठा रहे हैं, वो तो हमारे क्षेत्र के हर परिवार का रोजमर्रा के हकीकत है। ये मुद्दों को बाहर से उठाने की जरूरत नहीं है, ये मुद्दे घर घर के। जी, हमने अभी तक देखा है सीपीएम की संयुक्त मोर्चा के साथ में, खास करके सीपीएम इस बार बहुत स्पिरिटेड फाइट देने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे यंग लोगों को उन्होंने मैदान में उतारा है, और उसके साथ में जो कैंपेनिंग का जो तरीका है वो बहुत ही इनोवेटिव है। कल हम देख रहे थे कहीं फ्लैश मॉब के जैसा कहीं पे कुछ आर्टिस्ट लोग आकर के परफॉर्म कर रहे हैं, फिर कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स का जो फेमस डायलॉग है उसका भी यूज करके ये कर रहे हैं। तो ये सब जो बदलाव है उससे कितना फायदा आपको हो रहा है? देखिए, हमेशा से नौजवान पीढ़ी जो है वो अपने लहजे से बात करती है, और इस वक्त सारे हिंदुस्तान के नौजवान पीढ़ी वो त्रस्त, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से त्रस्त होकर के वो लोग अपने लहजे से, अपने जुबान में, अपने तरीके से जो परिस्थिति है, परिस्थिति के जो मूल्यांकन है वो कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, विशेष करके जो बाएं महाज के साथ जुड़े हुए हैं, एक बड़ी तादाद में हमारा ब्रिगेड रैली में ये साफ हो गया था कि आने वाले जमाने का जो नौजवान पीढ़ी है वो विचलित है पश्चिम बंगाल की परिस्थिति को लेकर के, और इसका एक बड़ा तबका अपने लहजे और अपने अंदाज से वो लोग वामपंथी कैंपेन को तैयार कर रहे हैं। और इसका जिस तरीके से सोशल मीडिया में लाइक्स और जिस तरीके से लोग अपना रहे हैं, इसका असर पूरा पश्चिम बंगाल में पड़ रहा है, और हमारा बालीगंज क्षेत्र में भी इसका जो चेहरा है वो सामने उभर कर आ रहा है कि नए पीढ़ी के लोग, वो लोग अपने तरीके से बात करते हैं, अपने जुबान में बात करते हैं, अपने लहजे में बात करते हैं, और ये उनसे कनेक्ट होता है। जी, लेकिन एक सवाल जो खास करके अभी बहुत टॉपिकल बना हुआ है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेकुलर पर्सन माने जाते हैं, आपकी पहचान भी उस तरह की, आपके नॉलेज इतनी है कि आप कई सारे सेमिनार्स में बहुत ही अच्छा लंबा बोलते हैं उस टॉपिक पे, पर जो एक नए महाज, आपका जो महाज है उसमें एक नया अलायंस बना है अब्बास सिद्दीकी का, इंडियन सेकुलर फ्रंट का, नाम तो सेकुलर है पर क्लेरिक होने की वजह से बहुत सारे लोग उनको सेकुलर नहीं मानते, उसको आप कैसे देखते? देखिए, शायद ही पिछले कुछ सालों में
एक रिलीजियस बैकग्राउंड के शख्स आकर के सेक्युलरिज्म के पक्ष में जोरदार आवाज उठा दी है। ये मेरे जहन अगर हम दौड़ाएं तो पिछले बार हिंदुस्तान में हमने मौलाना हजरत मुहानी को इस चेहरा में देखा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद को हमने इस चेहरे में देखा था, जिसने अपना जो मजहबी जो पहचान है इसको बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान के जो संविधान में जो बुनियादी जो सोच है वो सेकुलर सोच है, कौमी एकजहती का जो सोच है, उस सोच को बड़ा जबरदस्ती से उन्होंने सामने पेश किया। मैं समझता हूँ कि इंडियन सेकुलर फ्रंट से जुड़े हुए तमाम जो शख्सियत है वो लोग अपने मजहब को अपने दिल में रख करके पास में हिंदुस्तान का संविधान को भी उतना मर्यादा देते हैं कि वो लोग जब मंच में उतरते हैं तो जो चलन रहा है पश्चिम बंगाल में कि जो मजहबी लोग हैं वो लोग मजहब के बाद मंच से बोलते हैं, सियासी मंच से बोलते हैं, लेकिन इंडियन सेकुलर फ्रंट के लीडर लोग मंच में चढ़ करके वो लोग संविधान के बोली बोलते हैं, संविधान की बात करते हैं और आने वाले नस्ल और पीढ़ी के जो हक के जो सवाल है वो हक के सवाल उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अहम मोड़ पश्चिम बंगाल की राजनीति ले रही है, जहाँ पर मजहब के जो बैकग्राउंड रखने वाले लोग हैं वो लोग संवैधानिक भाषा में बोल रहे हैं, संवैधानिक जुबान में बोल रहे हैं और ठोस जो मुद्दे हैं, नौकरी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, हक का जो मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, इसे प्राथमिकता दे रही है, इसे अव्वल दर्जा दे रही है। और मैं समझता हूँ यही हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म या कौमी एकजहती है, ये कौमी एकजहती का पहचान। चूंकि आप डॉक्टर हैं और हम जिस दौर में चुनाव में शामिल हो रहे हैं, बंगाल में चुनाव हो रहा है, ये कोविड का दौर है, फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो एज ए डॉक्टर अभी तक आपका क्या मानना रहा है, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उसने कोविड के केसेस को किस तरह से हैंडल किया? एक इकोनॉमी की बात तो आती ही है लेकिन ह्यूमन लाइफ की भी बात है, वहां पे किस तरह से गवर्नमेंट ने अपने ड्यूटी को अंजाम दिया है? ये भी सुनने में आया कि इतना बड़ा पीएम केयर फंड था उसमें भी उसका भी सही से यूज नहीं हुआ और कई सारे वेंटिलेटर्स के केसेस में खरीदने में करप्शन भी बात आई, लेकिन एज ए डॉक्टर आप ये सारी चीज और एज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो आप कोविड के केसेस को जो हिंदुस्तान ने फेस किया है उस दौरान गवर्नमेंट्स का क्या रोल रहा है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान जो द्वितीय ढेव है, सेकेंड वेव कहते हैं, इसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। अफसोस की बात है कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों हमारे देश में इस जो वास्तविकता है, इस वास्तविकता को कबूल नहीं करना चाहती, इस हकीकत को कबूल नहीं करना चाहती। और कल रात को हमने 4 अप्रैल हमने 1 लाख का जो आंकड़ा है पॉजिटिव केसेस का पार कर दिया, तकरीबन 1,03,000 पॉजिटिव न्यू पॉजिटिव केसेस एक दिन में हमने दर्ज की, जो एक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में। शायद एक बार इससे कबल हमने 1 लाख का जो संख्या है 24 घंटा में पॉजिटिव का वो आंकड़ा पार किए। और आपको ये जहन में रखना पड़ेगा ये महज प्रीडोमिनेंटली 8 राज्यों में जो केसेस हो रहे हैं उनके मूल्य में आंकड़े हैं, बाकी सब राज्य आस्ते आस्ते जैसे सेकेंड वेव का चपेट में पड़ेंगे तो ये आंकड़े पिछले साल जो कोविड हुए थे उससे कहीं ज्यादा हमें प्रभावित करना है, हम त्रस्त करना है। इस सूरत हाल में मरकजी हुकूमत चुप्पी छाई हुई है और हमारे मगरबी बंगाल की जो हुकूमत है वो भी चुप्पी छाई हुई है, ये अफसोसजनक है। मैं समझता हूँ कि सरकार कोविड के सामने लोगों को अपने स्वास्थ्य का जो जिम्मेदारी है अपने हाथ में लेने का एक परिस्थिति तैयार कर रही है। इसमें सरकार अगर पीछे हट गई, सरकार अगर उस कदम उठाने से मशवरा देने से अगर उकर जाती है, डर जाती है, तो मैं समझता हूँ कि जनता और आवाम रूप से पड़ने वाला है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से कोविड को हैंडल की गई, विशेष करके वैक्सीन फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में जो वक्त हमें मिला था, वैक्सीन को इस्तेमाल सही तरीके से अगर कर पाते तो हम लोग
हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी को हम लोग इसमें जिसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी में हम लोग प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अब तक जो आंकड़े आए हैं महज 7 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों को हमने फर्स्ट डोज दे पाई है, सेकेंड डोज तकरीबन 1 या 1.5 करोड़ तक लोगों को मिली। तो ये 130 करोड़ की आबादी में अगर आप इस आंकड़े को देखें तो अभी तक तकरीबन 110 करोड़ से ज्यादा लोगों तक न वायरस पहुंच पाई है न वैक्सीन पहुंच पाई है, और इन लोगों में COVID-19 का दूसरा जो वेव है, ये दूसरा पड़ाव का उन पर असर डालने के लिए एकदम एक भयंकर परिस्थिति में लग चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार संपूर्ण रूप से व्यर्थ हुई है, मरकजी हुकूमत व्यर्थ हुई है, रियासती हुकूमत व्यर्थ हुई है, और इसका जो खामियाजा है हिंदुस्तान का आवाम को भुगतना पड़ेगा। उन तक मेरी ये मशवरा है कि मास्क जरूर पहने, आप हाथ बार बार साबुन पानी से धोए, और अपने आप को जरूरत न होने से बाहर न निकल करके क्राउड में शामिल। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे डॉक्टर फुआद हलीम को, अब वो नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। Thank you.